अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है ब्रेड गुलाब जामुन। ये जानने के लिए कि ये रेसिपी मैं कैसे बनाऊँगी, स्टे ट्यून्ड। ब्रेड गुलाब जामुन के लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए वो है ब्रेड। मैंने बड़े साइज़ की ब्रेड ली है, 8 स्लाइसेस, और इसके अब किनारे काट देंगे। ये पाउडर शुगर है, हमें चाहिए तकरीबन 1 टेबल स्पून। इलायची पाउडर है 1 पिंच। 2 टेबलस्पून हमें मिल्क, ड्राई मिल्क पाउडर चाहिए। तकरीबन 1/2 टीस्पून हमें चाहिए घी। और ये मैंने पिस्ते लिए हैं तकरीबन 10 से 15। ये मिल्क पाउडर है, सॉरी मिल्क है, हमें फुल क्रीम मिल्क चाहिए तकरीबन 3/4 कप। पानी हमें चाहिए तकरीबन 1 कप एंड चीनी हमें चाहिए तकरीबन 3/4 कप्स। अब सबसे पहले ये जो ब्रेड स्लाइसेस हैं मैं इसके बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर दूंगी। अब व्यूवर्स मैंने देखें आप इसे बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। आप ये टुकड़े कर लिए, अब मीन वाइल हम शीरा बनाएंगे। शीरा बनाने के लिए मैंने एक सॉस पैन लिया है, उसमें सबसे पहले मैं पानी डाल दूंगी। और साथ में चीनी, और हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसे नॉर्मल आंच पे मैं पकने छोड़ दूंगी। व्यूअर्स जब तक हमारा शीरा पकता है, हमने अब ये ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं, अब इसमें हम बाकी तमाम चीजें डालेंगे। इसमें सबसे पहले हम ड्राई मिल्क पाउडर डालेंगे, पिसी हुई चीनी डाल देंगे, इलायची पाउडर डाल देंगे और ये जो घी हमने किया था वो हम डाल देंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे गूंदना शुरू करेंगे, जैसे एक डो बनती है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि 3/4 कप ऑफ मिल्क वॉज मोर देन इनफ फॉर इट। एंड अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से गूंद लिया है और इसमें लम्ब्स नहीं होने चाहिए, मीन्स ड्राई पैचेस जो पीसेस इसके हैं ब्रेड के वो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और मैं इसे आप देख सकते हैं बिल्कुल डो की फॉर्म में आ गया। अब मैं इसकी छोटी छोटी सी बॉल बना के तो फिर अब हम इसे फ्राई करेंगे। व्यूअर्स अब इसे हम थोड़ा सा जो बड़ा करके ना इतना, तो इसमें एक पिस्ता रख के तो इसकी बॉल बना लेंगे। कोफ्ते के साइज की बॉल बनानी है आपने। अब आप देख सकते हैं कि एक बॉल बन गई है। अब इस तरह से मैं तमाम बॉल्स बना के तो आपको दिखाती हूँ। सो व्यूअर्स इससे तकरीबन 8 गुलाब जामुन बन गए। अब मैं इसे डीप फ्राई करूँगी। व्यूअर्स इस तरफ आप देख सकते हैं कि मैंने शीरा जो है वो उसमें बबल्स आने शुरू हो गए। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें पिसी हुई इलायची डालूँगी। मैंने इसमें तकरीबन 1 चुटकी पिसी हुई इलायची डाल दी है और अब हम इसे बिल्कुल नॉर्मल आंच पे रख देंगे। अब इस वोक में मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा है। पहले हम इसे थोड़ी तेज़ आंच पे गर्म करेंगे, उसके बाद हम इसकी आंच बिल्कुल मीडियम करेंगे और इसमें हम गुलाब जामुन फ्राई करेंगे। अब व्यूअर्स ये ऑयल गर्म हो गया है, अब सिर्फ चेक करने के लिए कि गर्म हुआ या नहीं मैं इसमें थोड़ा सा एक पीस डालूंगी और आप देख सकते हैं कि ऊपर आ गया। तो अब मैं इसमें ये गुलाब जामुन एक एक करके डालूंगी।
अब व्यूअर्स मैंने इसकी आंच मीडियम कर दी है और अब ये इसमें मैं गोल्डन होने तक इसको फ्राई करूँगी। व्यूअर्स आपने ये याद रखना है कि आपने इसमें मुसलसल चम्मच चलाना है ताकि ऐसा ना हो कि एक तरफ से गुलाब जामुन जो है वो पक जाएं और दूसरी तरफ से जो है वो डार्क हो जाएं और ऊपर से बिल्कुल लाइट हो, तो आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है। जैसे देख सकते हैं आप एक ही तरह का इक्वल कलर है इसका। अब व्यूअर्स मैं इसे पेपर टॉवल पे निकाल लूंगी। अब व्यूअर्स ये जो शीरा है ये उबल रहा है और अब एक एक करके मैं इसमें ये गुलाब जामुन डालती जाऊंगी। हमने गरम गरम ही डालना है ताकि ये शीरा जो है वो अंदर सोक कर ले। और ये याद रखें कि ये शीरा सोक करने के बाद इसका साइज और बढ़ेगा, ये आपको नजर आ रहा होगा। तीन से चार मिनट हम इसे इस तरह उबालेंगे इस शीरे में और उसके बाद मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। सो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की रेसिपी ब्रेड गुलाब जामुन। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।